दोस्तों, हमारे इस पूरे वर्ल्ड में तीन तरीके के लोग पाए जाते हैं। एक होते हैं लेफ्ट हैंडेड पर्सन, एक होते हैं राइट हैंडेड पर्सन एंड थर्ड बोथ हैंडेड पर्सन। बट एक फोर्थ तरीके के भी पर्सन होते हैं जिनको इन कैटेगरी में जगह नहीं दी गई है, बट वो हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि है एम्बिसिनिस्ट्रल। सो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एम्बिसिनिस्ट्रल और एम्बिडेक्स्ट्रस पर्सन में क्या ऐसे डिफरेंस होते हैं और क्या ऐसी चीजें होती है जो उन दोनों में अलग बनाती है। एंड ये वीडियो आपके नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो इसलिए गाइस, प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। छोटी सी वीडियो होगी बट बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके लिए। वैसे तो इस टॉपिक पे मैंने पहले से ही एक वीडियो बनाई थी, बट आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको सिर्फ कुछ मेजर पॉइंट ही बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि क्या होते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस और क्या होते हैं एम्बिसिनिस्ट्रल। बेसिकली दोनों ही एक तरीके के पर्सन होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो अपने दोनों हाथ यूज कर सकते हैं। बट हम एम्बिडेक्स्ट्रस उन पर्सन को बोलते हैं जिनका कोई भी डोरमिनेंट हैंड नहीं होता एंड वो अपना कोई सा भी हाथ किसी भी काम में यूज कर सकते हैं और चाहे तो लिख भी सकते हैं। बट एम्बिसिनिस्ट्रल पर्सन का मतलब भी यही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो एम्बिसिनिस्ट्रल हम उन पर्सन को बोलते हैं जिनके पास बचपन से ही एक एबिलिटी होती है कि वो अपने दोनों हाथ यूज कर सकते हैं। एंड एम्बिडेक्स्ट्रस हम उस बंदे को बोलते हैं जो कि वेल ट्रेंड है एंड जिसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके अपने दोनों हाथों का इक्वल यूज करना सीखा। एंड यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा मेजर पॉइंट और बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा बंदा जो वो बचपन से ही एबिलिटी रखता है और गॉड गिफ्टेड है एंड देन वो प्रैक्टिस करके अपने दोनों हाथों का इक्वल यूज करना सीख जाता है, तो तब वो बंदा है कि एम्बिडेक्स्ट्रस कहलाता है। बट वहीं अगर वो बंदा ये ध्यान ना दे कि वो अपने दोनों हाथों का यूज कर सकता है बट वो ना करे, तो तब वो बंदा एक एम्बिसिनिस्ट्रल ही कहलाता है कि वो अपने कुछ कुछ कामों में अपने नॉन डोरमिनेंट हैंड का भी यूज कर सके। एंड मैं आपका एक और पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एम्बिसिनिस्ट्रल पर्सन को कोई ऑफिशियली काउंट नहीं किया जाता, बस ये बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो गॉड गिफ्टेड एम्बिडेक्स्ट्रस होते हैं वही एम्बिसिनिस्ट्रल कहलाते हैं। एंड बाकी हर जगह एम्बिसिनिस्ट्रल पर्सन को एक एम्बिडेक्स्ट्रस में ही काउंट करा जाता है। तो गाइस, बस ये मेजर दो पॉइंट थे जो कि मैंने आपके सामने रखे एक एम्बिडेक्स्ट्रस और एक एम्बिसिनिस्ट्रल पर्सन के डिफरेंस के बारे में। एंड यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक एम्बिडेक्स्ट्रस बनना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रखता है कि आप प्रेजेंट में क्या हो, एक लेफ्ट हैंडेड पर्सन हो, एक राइट हैंडेड पर्सन हो या एक एम्बिसिनिस्ट्रल हो। एंड अगर आपको जानना है कि कौन से टाइप के पर्सन बेस्ट रहते हैं एक एम्बिडेक्स्ट्रस बनने के लिए, सो बस कमेंट कर देना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। एंड आज की वाली वीडियो भी एक सब्सक्राइबर के कमेंट पे थी। सो गाइस, बस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।